हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। हमने अभी तक फोर्थ पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड पढ़े अपन कंडक्टर, टाइप ऑफ कंडक्टर, थर्ड पढ़े कंडक्टेंस टर्म, फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। अभी हम पढ़ने वाले हैं मोलर कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। चलिए, अगर आपने नहीं देखा है पहला वीडियो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक। तो अभी हम बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इसको मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी। जितने आयन प्रोड्यूस होंगे तो जो फ्री आयन्स होंगे बच्चों, लेट्स सपोज ए प्लस बी माइनस, ठीक है। आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्री आयन्स के थ्रू होता है, राइट। तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयन्स प्रोड्यूस होंगे वो सभी आयन के कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है, समझ में आया, फिर से बोलूं, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस, राइट है। कई बार ये डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, देन फॉर्मूला भी। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन्स one mole electrolytes in the given volume of solution is known as molar conductance. The conductance of all ion produced by one mole of electrolytes in the given volume of solution is known as molar conductance. ठीक है, कुछ ले, the conductance of It is represented by lambda m or mu, right. The conductance of one centimeter cube solution is K. Then the conductance of
20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों, के इनटू वी, के इनटू क्या हो जाएगा वी, देन म्यू या डेल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इनटू वी, राइट। अभी यहां पे हम देखें तो मोल्स की बात हुई है, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इधर लेते हैं दैट m मतलब मोल, ठीक है, m मतलब मोल कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, क्लियर हो, 1 लीटर बोले तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट है। सो अगर हम बात करें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने में प्रेजेंट होगा, m मोल है ना भी m, ठीक है, कैपिटल m लिया तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा बच्चों, 1000 बाय m सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वो क्या हो गया वॉल्यूम, वो क्या है सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम के जगह क्या रख सकते हैं 1000 बाय m, तो डेल m इज इक्वल टू k into 1000 by m, ये हो गया मोलर कंडक्टेंस, राइट है। अगर मैं यूनिट की बात करूं यहां पे k क्या है बच्चों, कंडक्टिविटी है, ठीक है, m क्या है कंसंट्रेशन, वेयर m is equal to concentration in terms of mole, clear। अब देखिए बच्चों यूनिट, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, यूनिट न्यूमेरिकल्स में आप सिर्फ यूनिट से ही पहचान सकते हो कि क्या वैल्यू गिवन है आपको, राइट है। तो के का यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्या बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम का क्या होता है बच्चों सेंटीमीटर क्यूब, और मोल इनवर्स में तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मोल इनवर्स, मोल क्या है डिविजन में ऊपर जाए तो इनवर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गया आपका यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चों मोल के ये जो है इसको मोह भी बोलते हैं या सीमेंस इनवर्स भी कहते हैं, राइट है, तो इसको नोट डाउन करिए और अब आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है नोट डाउन कर लियो, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है, या फिर
टिल लैम्डा इक्विवेलेंट से इक्वेशन करेंगे, राइट। अब देखो डेफिनेशन क्या होगा, जैसे उसमें था कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जगह वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is known as electrolytic conductance. Clear? अब देखिए बच्चों, similarly since conductance of 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इसकी, तो कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इनटू, तो यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू के टू, राइट है। अब जैसे आपने वहां पे देखा मोलर कंडक्टेंस में, वैसे ही अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एन ग्राम पर लीटर होगा। क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका मतलब ये कि एन ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मिलीलीटर, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसमें प्रेजेंट होगा 1000 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो बी की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के 1000 × 10, राइट है। यहाँ पे एन के कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी की के कंडक्टिविटी ये वही है 1/r/l/a, ठीक है, 1/r/l/a ये के कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, क्लियर है।
मोलर कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, कापा इनटू 1000 बाय एम, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कापा इनटू 1000 बाय एन। ठीक है, जैसा आप जानते हो कि नॉर्मलिटी क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी, राइट ना, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। यस, मोलरिटी निकाला जाए तो नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। सिमिलरली यहां भी अगर हम मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं तो ये क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलर कंडक्टेंस। मतलब कोई एक का वैल्यू निकालने से आप वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दूसरा वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन मेरी क्लास देखते हैं इस पे बेस्ड। तो देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 mL सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इन अ सॉल्यूशन इज 2.1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, राइट। देखिए बच्चों हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इनटू 1000 बाय एन। अभी देखिए क्वेश्चन में तो अपने को सिर्फ एन दिया है, एन पता है, कापा पता नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं दिया बच्चों, तो डायरेक्ट ना दिया हो तो इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही है, इसी से हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो देखते हैं कापा इज इक्वल टू क्या है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कापा, अगर कापा समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज इससे पीछे वाला वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आएगा, वहां पे मैंने बताया है। कापा इज इक्वल टू होता है 1 by R L by T, R रेजिस्टेंस है, L दो इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ, और A क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, R का वैल्यू गिवन है बच्चों 50, तो 1 by 50 into L कितना दिया है 2.1 लिख दिया, एरिया A कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दे दिया 4.2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया 1 by 100। k का वैल्यू क्या हो गया 1 by 100, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन द गिवन इक्वेशन देन वी गेट 1 by 100 into 1000 एंड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, देन 1 2 टू कैंसिल आउट, देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है और ये चीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक भी करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, IIT JEE में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बच्चों प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो और पढ़ सके, ताकि हमें भी पढ़ाने में अच्छा है। ओके, थैंक यू।